पत्रकारिता जगत का सबसे सुलझा चेहरा रवीश कुमार को माना जाता है। रवीश ऐसे पत्रकार जो हैं सरकार की हर नीतियों को चुनौती देते हुए नजर आते रहते हैं। अगर पत्रकारिता जगत में सच्चे पत्रकार की मिसाल दी जाती है तो वो है रवीश कुमार। बेबाक तरीके से अपनी राय रखने वाले रवीश कुमार, सच्ची पत्रकारिता कितनी सच्ची है ये तब देखने को मिला जब NDTV के 70 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, और ये तब हुआ जब रवीश कुमार NDTV में कार्यरत हैं। हर मसले पर बेबाक राय रखने वाले पत्रकार रवीश कुमार अपने संस्थान NDTV के घपलों, घोटालों और छटनी पर चुप्पी साधे बैठे हैं। जब CBI रेट पढ़ने पर NDTV के पक्ष में तमाम बुद्धिजीवी खड़े हो गए थे, मगर जब NDTV से 70 लोग निकाले गए थे तब किसी सच्चे और निष्ठावान पत्रकार का इनकी परेशानी को समझकर संस्थान के खिलाफ आवाज उठाने नहीं आया। यही नहीं, रवीश कुमार जैसे पत्रकार जो हर मुद्दे पर अपने बड़े बड़े लेख लिखते हैं वो भी इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी साधे रहे। कोई भी पत्रकार इनके परिवारों के पक्ष में कोई दो लाइन लिखने के लिए आगे नहीं आया। इस बीच NDTV समूह ने एक बयान जारी कर कहा कि दुनिया भर के अन्य न्यूज ब्रॉडकास्टिंग की तरह NDTV भी मोबाइल जर्नलिज्म पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने न्यूज रूम और रिसोर्सेज का पुनर्गठन कर रही है। आपको बता दें कि NDTV के पूर्व पत्रकार सुशांत सिन्हा ने रवीश कुमार के नाम पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था कि रवीश कुमार बड़े बड़े मुद्दों पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनकी पत्रकारिता कहां गई जब NDTV के 70 कर्मचारी निकाल दिए जाते हैं। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।